कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग किसी कंपनी की सबसे बड़ी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं और इस इंटरव्यू के लिए 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ होता है और वो लोग काफी खुश नजर आ रहे होते हैं। वहां जाने के बाद उन सबको एग्जामिनेशन हॉल में ले जाया जाता है और उस एग्जाम में कुल 8 सीटें होती हैं और हर सीट पर एक क्वेश्चन पेपर रखा होता है जिस पर कैंडिडेट नंबर लिखा होता है। इस हॉल के दरवाजे पर एक गार्ड भी खड़ा होता है जो किसी की तरफ देख भी नहीं रहा होता, मानो वो यहां पर है ही नहीं। फिर वहां इन्वेजिलेटर आता है और उनसे कहता है कि इंटरव्यू के इस राउंड तक सिर्फ तुम 8 लोगों को ही चुना गया है और वो इन एग्जाम के रूल्स बताने लगता है। वो उन्हें बताता है कि एग्जाम में आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन का जवाब है और उस सवाल के लिए आपको 80 मिनट दिए जाएंगे। फिर वो उन्हें एग्जाम के 3 रूल्स बताता है और पहला रूल ये होता है कि तुम लोग ना मुझसे और ना ही इस गार्ड से कुछ बोल सकते हो और अगर ऐसा किया तो तुम फौरन डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। दूसरा रूल ये है कि अगर आपने एग्जाम शीट को खराब किया तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। और तीसरा और आखिरी रूल ये है कि अगर आपने इस रूम से एक भी कदम बाहर रखा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसके बाद वो उनसे पूछता है एनी क्वेश्चंस, जिस पर सब खामोश रहते हैं और इसके बाद वो हॉल से बाहर चला जाता है। जब सभी कैंडिडेट्स अपना क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सबके क्वेश्चन पेपर्स ब्लैंक हैं और किसी के भी पेपर पर कोई सवाल नहीं है। उन्हें ये देखकर कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर अब करना क्या है। तभी उनमें से एक लड़की अपने पेपर पर लिखती है कि उसे यकीन है कि उसे जॉब मिल जाएगी, लेकिन तभी उसके पास गार्ड आता है और उसे एग्जाम हॉल से बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने अपना पेपर खराब कर लिया था। ये देखकर वो लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी उनमें से एक कैंडिडेट कहता है कि हम भले ही इन्वेजिलेटर या गार्ड से बात नहीं कर सकते लेकिन हम आपस में तो बात कर सकते हैं। इसके ऐसा करने पर उसे कोई बाहर नहीं निकालता, इसलिए वो लोग आपस में बात करना शुरू कर देते हैं और अब वो लोग समझ चुके होते हैं कि उन्हें इस एग्जाम में सवाल का जवाब नहीं बल्कि सवाल ढूंढना है। उनमें से एक कैंडिडेट कहता है कि हम सब लोग मिलकर सवाल ढूंढ सकते हैं। वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये लोग हमारा टीम वर्क ही चेक करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने ये क्वेश्चन पेपर ब्लैंक छोड़ रखा है। उनमें से एक शख्स अपना नाम बताने वाला होता है लेकिन उसे रोकते हुए दूसरा कैंडिडेट कहता है कि एग्जाम में हमारा नाम नहीं बल्कि कैंडिडेट नंबर लिखा है, इसलिए हमें अपना नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए वो लोग अपने निकनेम रखते हैं और वहाँ एक नीग्रो बैठा होता है जिसका नाम वो ब्लैक रखते हैं और एक गोरे लड़के का नाम व्हाइट रखते हैं और वहाँ एक लड़की होती है जिसके बाल ब्लॉन्ड होते हैं इसलिए वो उसका नाम ब्लॉन्ड रख देते हैं। वहाँ 2 लड़के और लड़कियां और होते हैं और उनमें से एक लड़का किसी से कुछ बोल ही नहीं रहा होता, मानो वो वहाँ मौजूद ही ना हो। उसके बाद वो कहता है कि हमें इन्वेजिलेटर ने सीट से खड़े होने के लिए भी मना नहीं किया है, इसलिए वो खड़ा हो जाता है और इसके बावजूद गार्ड उसे कुछ नहीं कहता, यानी वो लोग खड़े होकर भी क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं। और वहाँ मौजूद एक लड़की उनसे कहती है कि शायद क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ सवाल इनविजिबल हो। ये सुनते ही वो लड़का फौरन उस पेपर को लाइट के आगे करता है लेकिन उसे कोई सवाल नहीं मिलता। इस पर दूसरी लड़की उनसे कहती है कि शायद हमें सवाल पेंसिल शेडिंग करने से मिल जाए, मगर उन्होंने पहले ही देखा था कि पेपर पर लिखते ही पहली लड़की का डिस्क्वालिफिकेशन हो चुका है, इसलिए वो करने से डर रहे होते हैं। इसलिए व्हाइट उसे कहता है कि ये तुम ही क्यों नहीं ट्राई करती, वो शेडिंग करने ही वाली होती है। तभी ब्लैक उसे याद दिलाता है कि पेपर पर लिखते ही वो डिस्क्वालीफाई हो सकती है। इसके बाद एक लड़की कहती है कि ऐसा भी मुमकिन है कि एक के क्वेश्चन दूसरे की शीट पर लिखे हों। इस पर ब्लैक कहता है कि शायद हम सबको एक ही सवाल का जवाब देना हो और वो सवाल हम में से किसी एक के क्वेश्चन पेपर पर हो। ये सुनते ही व्हाइट उठता है और सबके क्वेश्चन पेपर्स लेकर लाइट के सामने चेक करने लगता है, लेकिन वो शांत बैठा हुआ लड़का अपना पेपर देने से मना कर रहा होता है। लेकिन व्हाइट उसके पास भी जाता है और उसका क्वेश्चन पेपर लेकर उसे भी चेक करने लगता है, लेकिन वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। वो लोग परेशान होने लगते हैं कि आखिर सवाल ढूंढे तो ढूंढे कैसे। तभी ब्लैक कहता है कि शायद वो सवाल किसी ऐसी चीज से लिखा हो जो नॉर्मल लाइट में ना विजिबल हो। तभी ब्लॉन्ड देखती है कि वहाँ दीवारों में एक अजीब सी ब्लू कलर की लाइट है और वो उस लाइट को ऑन करने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये ही नहीं पता होता कि रूम की बाकी लाइट्स को ऑफ कैसे करें। ब्लैक उनसे कहता है कि ये एक इमरजेंसी लाइट है, यानी अगर हमने बाकी की लाइट्स को बंद कर दिया तो ये अपने आप ही ऑन हो जाएगी। इसलिए वो लोग एक एक करके सारी लाइट्स को तोड़ने लगते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग मना कर रहे होते हैं क्योंकि अगर सारी लाइट्स बंद होने के बावजूद अगर ब्लू लाइट नहीं जली तो वो लोग क्या करेंगे। इसके लिए वो लोग आपस में वोटिंग करते हैं कि लाइट्स को तोड़ा जाए या नहीं, और आपस में वोटिंग करने पर 4 लोग इस बात से सहमत होते हैं कि लाइट्स को तोड़ने का रिस्क हम लेंगे और इसलिए वो लोग वहाँ की सारी लाइट्स तोड़ देते हैं। और इसमें किस्मत भी उनका साथ देती है और वहाँ की ब्लू लाइट्स फौरन ऑन हो जाती है। इसके बाद वो लोग एक एक करके अपना क्वेश्चन पेपर उस लाइट के सामने रखते हैं, लेकिन यहाँ भी उनके हाथ निराशा ही लगती है और उन्हें कोई सवाल नहीं मिलता। सब लोग परेशान होने लगते हैं क्योंकि 20 मिनट बीत चुके होते हैं और अब उनके पास सिर्फ 1 घंटे ही बचे होते हैं। तभी व्हाइट का खुराफाती दिमाग चलता है और वो कहता है कि इन्वेजिलेटर
लेटर ने हमें अपना पेपर खराब करने से मना किया है, लेकिन हम दूसरे का पेपर तो खराब कर सकते हैं। इसलिए व्हाइट उस लड़की का पेपर लेता है जिसे गार्ड ने पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया था, और वो उसके पेपर पर पेंसिल से शेडिंग करने लगता है, लेकिन इसके बाद भी उसे नाकामी हाथ लगती है। इसके बाद व्हाइट कहता है कि हम एक पेपर के चार टुकड़े कर उस पर अगर पानी डालें तो शायद हमें कुछ नजर आ जाए। इसलिए वो उसके चार टुकड़े कर देता है और उसे साइड में रख कर उस पर टॉयलेट कर देता है। उसकी इस वियर्ड हरकत से सब लोग वहां परेशान होने लगते हैं। तभी अचानक कोने में बैठा वो आदमी रोने लगता है और रोते हुए फ्रेंच लैंग्वेज में कहता है कि इसे तुम्हारी अपनी असलियत जाहिर होती है। इसके बाद वहां एक कैंडिडेट कहता है कि शायद ये कोई एग्जाम ना हो बल्कि एक गेम हो, और वहां लगे काले शीशे को देखकर कहता है कि शायद इन्वेजिलेटर इसके पीछे से हमें देखकर हम पर हंस रहा हो। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि नहीं, ये कंपनी मामूली कंपनी नहीं है, इसका सीईओ हर चीज पर नजर रखता है और इस शीशे के पीछे अगर कोई होगा भी तो वो सीईओ ही होगा। और यहां हमें एक बहुत ही अजीब बात मालूम होती है कि ये लोग जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने आए हैं उनमें से किसी को इस कंपनी का नाम तक नहीं मालूम, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी थी जो किसी बीमारी के लिए दवा की खोज में लगी है। तभी एक लड़का उस लड़की से कहता है कि लेकिन वो कंपनी ने तो नुकसान के चलते हायरिंग्स बंद कर दी थी। इसके जवाब में वो लड़की कहती है कि नहीं, वो सिर्फ दुनिया की नजर में बंद हुई थी, और ये भी हो सकता है कि उन लोगों ने इस बीमारी की मेडिसिन बना ली हो और सक्सेस के बाद हमें हायर कर रहे होंगे। फिर उन्हें एक फायर अलार्म दिखाई देता है जिसे देखकर वो लोग सोचते हैं कि शायद उसमें ऐसा कुछ लिक्विड हो जिससे पेपर पर लिखा हुआ क्वेश्चन विजिबल हो जाए। इसके लिए वो लड़की गार्ड की जेब से लाइटर निकाल लेती है ताकि वो उससे आग लगाकर उसमें कोई लिक्विड या पानी हो तो उसकी हेल्प ले सके। वो लाइटर जलाकर उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वहां तक नहीं पहुंच रही होती, इसलिए व्हाइट उसे एक पेपर फोल्ड करके देता है ताकि वो उसे जलाकर फायर अलार्म बजा सके। वो उसमें आग लगाकर अलार्म के पास ले आती है, लेकिन आग बुझने के बाद उसे एहसास होता है कि व्हाइट ने जो पेपर उसे दिया था वो उसी का क्वेश्चन पेपर था, और इस वजह से उसका पेपर भी खराब हो चुका है, और इसलिए गार्ड उसे भी बाहर निकाल देता है। और अब इस एग्जाम के लिए सिर्फ 6 लोग बचे होते हैं, लेकिन व्हाइट की इस हरकत पर ब्लैक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि आई शुड पंच योर लाइट्स आउट, और उसके ऐसा कहते ही वहां की लाइट्स बंद हो जाती हैं। ब्राउन उसे गुस्से में कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया, तो उनके पास खड़ा हुआ एक लड़का कहता है कि लाइट्स आउट कहने पर लाइट्स ऑफ हो गई, और अब मैं लाइट्स ऑन बोलूंगा तो लाइट्स ऑन हो जाएंगी, और उसके ऐसा कहते ही लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये सभी लाइट्स वॉइस कंट्रोल पर चल रही होती हैं। तभी वहां खामोश बैठा हुआ वो शख्स उनकी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और रोने लगता है। इस पर व्हाइट उसके पास जाता है और कहता है कि तुम अपना पेपर फाड़ क्यों नहीं देते, और उसके कहने पर वो अपना पेपर फाड़ देता है, और उसके ऐसा करते ही वो गार्ड उस खामोश बैठे हुए आदमी को वहां से बाहर निकाल देता है, और जाते वक्त उसका चश्मा नीचे गिरकर टूट चुका होता है। व्हाइट की इस हरकत पर ब्लैक को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जोर से पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है, और बेहोश होने के बाद ब्लैक उसे चेयर से बांध देता है। कुछ देर बाद उसे होश आ रहा होता है और वो उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक लड़की उसके मुंह से पट्टी निकालती है और वो उनसे कहता है कि मुझे मेरी मेडिसिन दे दो। तभी हमें पता चलता है कि व्हाइट को भी वही बीमारी है जिसका इलाज वो कंपनी बना रही थी, और उसे हर एक घंटे में मेडिसिन लेनी होती थी। वो उनसे कहता है कि मुझे क्वेश्चन का पता चल चुका है और तुम लोग मुझे मेरी मेडिसिन दे दो तो मैं तुम्हें सवाल बता दूंगा। लेकिन जब ब्लैक उसकी पॉकेट चेक करता है तो उसे कोई मेडिसिन नहीं मिलती। तभी वहां एक लड़के को उस लड़की पर शक होने लगता है जिसने व्हाइट की पट्टी खोली थी, क्योंकि वो उसी कंपनी में जॉब करती थी। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ, तुम यहाँ हम पर नजर रखने के लिए हो और हमारा ध्यान भटका रही हो। वो उससे पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि आखिर सवाल क्या है। इसके जवाब में वो कहती है कि मैं यहाँ निचले स्तर पर काम करती थी और मैंने आज तक सीईओ को तो देखा भी नहीं है, और मुझे इस सवाल के बारे में कुछ नहीं पता। तभी व्हाइट का शरीर कांपने लगता है और ब्लैंड कहते हैं कि शायद ये नाटक कर रहा है, लेकिन ब्लैक उससे कहता है कि नहीं, ये नाटक नहीं कर रहा, इसे वही बीमारी है जो मेरी बीवी को थी। फिर ब्लैंड कहती है कि अगर इसके पास वो मेडिसिन थी और अब नहीं है तो यानी इसकी मेडिसिन हम में से ही किसी एक के पास है, और इसलिए हमें एक दूसरे की तलाशी लेनी चाहिए। और अब उनके पास सिर्फ 15 मिनट बचे होते हैं। तभी एक लड़की उस लड़के के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुम पर शक है, और वो उससे पूछती है कि तुमने अपनी बबल खाकर कहां रखी। फिर वो देखती है कि उसने वो पिल को बबल में चिपकाकर छुपा लिया था। वो पिल लेकर उसे खिलाने लगती है, लेकिन तभी वो उस पर हाथ मार देता है जिससे वो मेडिसिन ड्रेनेज में गिर जाती है। व्हाइट की ऐसी हालत को देखकर वो लड़की कैमरा में देखकर कहती है कि इन्वेजिलेटर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, वो आदमी मरने वाला है। ऐसा करने पर वो गार्ड आता है और उसे वहां से बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने रूल तोड़ दिया था, यानी उस रूम में अब सिर्फ 4 कैंडिडेट ही बचे हैं। इसके बाद ब्लॉन्ड पिन से वही पिल निकालती है और व्हाइट को खिला देती है। व्हाइट को होश आ जाता है और वो लोग उससे कहते हैं कि हमने तुम्हें पिल दे दी है, अब तुम हमें सवाल बताओ। वो उनसे कहता है कि जो यहां सबसे आखिर तक रह गया वही सिलेक्ट हो जाएगा, यहां कोई क्वेश्चन तो है ही नहीं। इतना कहते ही वो गार्ड के पास दौड़कर बंदूक लेने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही ब्लैक जाकर वो गन ले लेता है और वो व्हाइट पर गन तान लेता है, जिस पर व्हाइट उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। ब्लैक उसे शूट करता है लेकिन गोली नहीं चलती। वो चेक करने लगता है, इतने में व्हाइट उससे गन छीन लेता है, लेकिन व्हाइट से भी गोली नहीं चलती। और फिर उन्हें पता चलता है कि गन पर गार्ड के फिंगरप्रिंट लगे हैं। व्हाइट गार्ड के
हाथ से गन को पकड़वाता है और वहां मौजूद दूसरे लड़के पर गन पॉइंट कर लेता है। तभी वो डर के मारे वहां से चला जाता है और इस तरह वहां सिर्फ 3 लोग ही बचते हैं। और इसके बाद वो ब्लैक से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है रूम से बाहर जाने की, लेकिन ब्लैक नहीं मानता और उससे कहता है कि मैं क्यों जाऊंगा। इसलिए ब्लॉन्ड कहती है कि ठीक है मैं ही चली जाती हूं। और जैसे ही वो दरवाजे के पास जाती है वो कहती है लाइट्स आउट, और उसके ऐसा कहते ही वहां की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वो वहीं छुप जाती है। और जब वो कहता है लाइट्स ऑन तो वो पाता है कि ब्लैक वहां बेहोश पड़ा है और उसके चेस्ट पर गोली भी लग चुकी है, लेकिन ब्लॉन्ड अभी भी वहीं छुपी होती है। पर व्हाइट को ऐसा लगता है कि रूम में सिर्फ वो ही बचा है। तभी वो वॉच में देखता है कि टाइम में कंप्लीट हो चुका है और वो कैमरा के सामने जाकर कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है और मैं इस जॉब को जीत चुका हूँ। तभी पीछे से गार्ड आता है और उसे अपने घड़ी में टाइम दिखाता है और अभी कुछ सेकंड्स बचे होते हैं, क्योंकि उस खामोश आदमी ने घड़ी का टाइम कुछ सेकंड्स के लिए आगे कर दिया था और व्हाइट समय से पहले ही रूल तोड़ चुका था, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है और इस तरह वहां सिर्फ ब्लॉन्ड बचती है। वो उस खामोश आदमी के गिरे हुए ग्लासेस को उठाकर अपना पेपर देखती है और उसे वहां क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वहां कोई सवाल लिखा नहीं होता। तभी टाइम पूरा होने पर वहां इन्वेजिलेटर और वो खामोश कैंडिडेट आता है। ब्लॉन्ड समझ जाती है कि यही कंपनी का सीईओ है और यहां हमारे बीच रहकर वो हमें चेक कर रहा था। ब्लॉन्ड उनके पास जाकर अपना जवाब देती है नो, और इसका जवाब सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं, यानी ब्लॉन्ड का जवाब बिल्कुल सही था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर सवाल क्या था, तो मैं आपको बता दूं इस एग्जाम का ओनली वही सवाल था जो इन्वेजिलेटर ने उनसे शुरुआत में पूछा था, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, और इसका जवाब ब्लॉन्ड ने नो दिया है। लेकिन उसके बाद वो उनसे कहते हैं कि सॉरी जेंटलमैन मैं आपकी जॉब रिजेक्ट करती हूं, क्योंकि मैं ऐसी कंपनी के लिए जॉब नहीं कर सकती जो किसी की जान ले। तभी इन्वेजिलेटर ब्लैक के पास जाकर कहता है कि देखो ये शख्स अभी भी जिंदा है। दरअसल उस बुलेट में एक ऐसी कैप्सूल होती है जो जख्म को फौरन हील कर देता है और उसके साथ ही वो जिस्म की सारी और बीमारियां भी खत्म कर देता है। और वो उसे बताते हैं कि जिसे बनाने में पूरी दुनिया लगी हुई है हमारी कंपनी से ऑलरेडी बना चुकी है और इसी की जिम्मेदारी के लिए हम तुम्हें हायर कर रहे हैं। और ये सुनकर ब्लॉन्ड काफी खुश हो जाती है और ये जॉब एक्सेप्ट कर लेती है, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।